नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, देश की सेवा करना हर नागरिक चाहता है और हर नागरिक का सपना होता है कि मैं देश की सेवा करूं। कई युवा भारतीय सेना में शामिल होने के सपने संजोते हैं। ऐसे में टूर ऑफ ड्यूटी के तहत अवसर भारत के युवाओं को देने की प्रक्रिया चल रही है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब जवान की भर्तियाँ टूर ऑफ ड्यूटी के तहत की जाएंगी। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। हालांकि टूर ऑफ ड्यूटी यानी अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में यानी थल सेना, नौसेना, वायुसेना में भर्ती की नई प्रणाली में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं। देखिए, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत भर्ती के जवानों में 100% यानी 4 साल बाद सेवा में मुक्त किए जाएंगे और फिर उनमें से 25% को पूर्ण सेवा के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी लगभग बात करें यहाँ पर, जैसे 100 स्टूडेंट को भर्ती किया जाएगा तो उसमें से लगभग 1/4 को रख लिया जाएगा, बाकी को वहाँ से निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बात करें तो टूर ऑफ ड्यूटी के अंतिम प्रारूप की काफ़ी चर्चा हुई है और कुछ नए सुझाव प्रस्तावित किए हैं। उन्हीं के स्वीकार किए जाने की संभावना है, क्योंकि नई भर्ती की योजना घोषणा किसी भी दिन अब हो सकती है और उम्मीद है कि जल्द ही होने वाली है। बात करें यहाँ पर, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। प्रारंभिक प्रस्ताव के विपरीत नियमों के बदलाव के सुझाव प्रस्तावित किए गए हैं। पहले टूर ऑफ ड्यूटी के तहत देश के नागरिकों को 3 साल के लिए भारतीय सेना में शामिल होने की बात कही जा रही थी। अब 4 साल की संविदा सेवा के बाद सैनिकों को सेवा मुक्त किए जाने की करीब 30 दिनों की अवधि के साथ उनमें 25% को वापस बुला लिया जाएगा। आज सैनिकों के फिर से भर्ती किया जाएगा। 4 साल की संविदा सेवा सैनिकों की उनके 4 साल की संविदा सेवा को वेतन और पेंशन के निर्धारण के लिए उनकी पूर्ण सेवा में नहीं गिना जाए। इस तरह से एक बड़ी राशि की बचत होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि तीनों सेनाओं में सैनिकों की कुछ ट्रेडों के लिए भी अपवाद होंगे, जिसमें उनकी तैयारी की तकनीक नेचर की वजह से उन्हें 4 साल की संविदा सेवा पर रखा जा सकता है। इनमें आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसी के साथ, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मैं आगे से आगे आपके लिए ऐसे ही नोटिफिकेशन ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।